उसे उठाओ। क्या रे? भेजो उधर। क्या रे? नाम क्या है तेरा? सागर भैया। बेटे सागर? सागर? सागर भैया। बेटे सागर? सागर सागर भैया सागर 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 बेटे सागर सागर भैया सागर
अरे रे 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 माँ तुम बेटे नहीं दुश्मन हो मेरे, सुबह सुबह शोर क्यों मचा रखा है, ये हो क्या रहा है? तुम्हारी बेटी मेरे नहाने का समय जानते हुए भी माँ मुझसे पहले नहाने चली गई, मुझे बाहर जाने में देर हो रही है, जल्दी बाहर निकल बदमाश। क्या हुआ, क्यों पागलों की तरह चिल्ला रहे हो, मेरे नहाने तक रुक नहीं सकते थे क्या? बिल्कुल नहीं रुकूंगा, मुझे जाना है, मैं तुम्हारी तरह बेकार नहीं हूँ, काम करता हूँ। तुम वहाँ जाकर क्या काम करते हो मुझे अच्छी तरह पता है, अपने दोस्तों के साथ मिलकर लड़कियों को छेड़ते रहते हो। तुम्हें कुछ काम तो है नहीं, कॉलेज में जाकर क्या क्या गुल खिलाती हो? चुप करो, चुप हो जाओ। हाँ ठीक है। और तुम सुनो, वो लड़का है बाहर जाकर कुछ भी करे, तुम्हें उससे क्या मतलब? मम्मी वो लड़का है तो क्या हुआ, वो कुछ भी कर सकता है क्या? इसके जैसे लड़की की तारीफ करने वाली तुम जैसी माँ का भी जवाब नहीं आता। ए माँ मार रही है। सगी बेटी का, सगी माँ ने सगी बेटी के सामने इतना बड़ा अपमान किया। ओह माय गॉड। अरे ओ माँ मैं पागल हो जाऊंगी। बदमाश। अपने घर से खाना खा के क्यों नहीं आते हो तुम? क्यों मजाक कर रही आंटी, हमने दो दिन से कुछ भी नहीं खाया, अब गरम गरम खाना दीजिए, खाने का मजा किरकिरा मत करो। आंटी रोज उपमा ही खिलाओगी, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। मजा नहीं आ रहा है तो तुम्हें ये भी नहीं मिलेगा। तुम उठो माँ। ये सुनो, तुम खाते रहना और मैं उसे। समझ गया, माँ के सामने राम नहीं। राम। ए, तुम्हारी नौकरी के बारे में ऑफिस में बात की है, दोपहर को मिलना। छी ये किसने बनाया? नहीं अच्छा बना माँ। साले साहब यहाँ आपको फायदा होगा, मनी नो प्रॉब्लम, आदमी नो प्रॉब्लम, टू मच पावर, सो मेनी पीपल, वेरी बिग मैन। ये मिनिस्टर साहब के साले हैं। भाई टिकट के लिए आए हैं। अरे भाई साहब नमस्कार। इसका नाम क्या? बाबा कोहली। तू मेरी प्यारी बहना है, थोड़ा सा खा लेना, थोड़ा सा खा ले। भैया मुझे भूख नहीं है। समुद्र में ना बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं, चारों तरफ खामोशी है, जब मैं उसे पकड़ता हूँ तो तेरी तरह काट लेती है। भाई आपसे कोई बाहर मिलने आया है। बैठने के लिए कहो। अब मैंने बड़ा जाल फेंक कर उस बड़ी मछली को पकड़ लिया है। काटा मछली, काटा। तुम नहीं सुधरोगे, आज मैं थोड़ा या खत्म कर दिया। अभी कहां पर है? फिलहाल हॉस्पिटल में। बदमाश कहीं का। नमस्ते भाई, मैंने बताया था ना वो मिनिस्टर साहब के साले हैं। अरे मैंने कहा नमस्ते साहब, जल्दी से लिपसी ले आप। मैं तो विलेन। ऊपर बैठो। ये बाबा कोहली है, मैंने कहा था ना इस इलाके के बड़े भाई हैं, आप तो जानते हैं ना इस इलाके में MLA MP चेयरमैन बनने के लिए भाई के पास आना ही पड़ता है, इतना ही नहीं किसी को टपकना भी हो तो भाई के पास भी आना पड़ता है, इसलिए मैंने कहा दूसरों को MP बनाने से तो अच्छा है कि खुद ही MP सीट के लिए खड़े हो जाओ। झूठ बोल रहा है। आपको हिंदी आती है ना सर? मुझे राजनीति से बहुत प्यार है, उस काली माँ के आशीर्वाद से, कोयल की तरह कनक और महालक्ष्मी की दुआ से मुंबई के मंत्रालय में बैठकर अपने हाथों में माइक लेकर TV के सामने राजनीति करूंगा। इतने से काम के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। इस काम के लिए बैंक से लोन ले लूंगा और अगर कमी पड़ी तो सारी बोट बेच दूंगा कि उन्हें उसकी जरूरत नहीं है। तुमने ठीक कहा, तुमने ठीक कहा, मेरा भैया मंत्री बनेगा, भैया मंत्री बनेगा, भैया मंत्री बनेगा। कौन है ये, पानी क्यों गिरा दिया, पागल है क्या? मेरी बहना को पागल कहता है, पागल कहता है मेरी बहना को। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मेरी बहना को, पागल कहता है ये, छोड़ दो, नहीं छोड़ूंगा। Ha ha ha!
देख 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 बहना, तू पागल नहीं है, तू मेरी अच्छी बहना है ना, रो मत, चल चल। हमसे खेलने में डर लग रहा है क्या? तुमसे कौन डरता है रे? ए, कम से कम सबके सामने रे तो ना कहो प्लीज रे। फिर से कहा? ठीक है। रोज चीटिंग करके तुम बैटिंग करते हो। हमें बैटिंग ही नहीं मिल रही है। रोज रोज दौड़ना मुझसे नहीं होता है। पता नहीं मुझे कब बैटिंग मिलेगी। ए, अंधी है क्या? आपकी साइकिल। अरे चलना, चाल चल चाल चल, अली पकड़, टाइम मत वेस्ट कर, चल। ए साला क्या रे, तूने पैसे देने से मना किया क्या? क्या करूं साहब, धंधा पानी। तो पैसा नहीं देगा? भागने का इरादा है क्या? अरे नहीं तो पैसा नहीं देगा साले। बाहर निकल, बाहर निकल साले, बाहर निकल। गलत कर रहे हो भाई, हम सब लोग एक ही जगह रहते हैं, अगर पैसा नहीं है तो प्यार से मांगो, जबरदस्ती करना अच्छी बात नहीं है। ए, तू इस एरिया का भाई है क्या? बीच में मत आना, पॉकेट में मार खाएगा। देख मैं तुझे मारूंगा और उसके बाद तू मुझे मारेगा, ये पुराना खेल है, कुछ नया खेलते हैं। ये अच्छा आदमी है, इसने कितने पैसे छीने? 3,000 रुपए। और गिलास तोड़ने के? 300 रुपए। ओके ठीक हो गया, तो ठीक है 100 रुपए एक्स्ट्रा रखो, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। जय हिंद। हरी भाई बुला रहा है। तुझे बाद में देख लूंगा, कभी भी देख लेना। चलो रे।
यार ये लड़की बार बार मुझसे क्यों टकरा रही है, बात क्या है? मुझ पर गुस्सा दिखा रही थी या प्यार से बोल रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे रात में बहुत मजा आया यार। ए गुरु, हाँ। भाई तुम लोग आने लगो। हेलो, साले पांदा डाल के बंद कर दो, बंद कर दो। सर अभी ज्वाइन करके आप बादन पर कोई दाग दिखना नहीं चाहिए और छह महीने तक ये लोग सड़क पर दिखने नहीं चाहिए, इस तरह धुलाई करो। सर मेरा नाम कृष्णराज। सर क्या मैं वहाँ बैठ सकता हूँ? सर सर बहुत थक गया हूँ मैं। सॉरी सर, ये है। अब पुलिस को पर्चा देना छोड़ो, बाहर के क्रिमिनल के बारे में बताओ। थोड़ी साफ सफाई के लिए चौकी को रोकना चाहिए ना। क्या वो सिगरेट है? एक दो कृष्णा जी। सर सबसे पहले आप बाहर के जेब कतरे, गांजा बेचने वाले, भाईगिरी करने वाले, खास तौर से सभी लोकल राजनेताओं की जन्म कुंडली चाहिए मुझे। ओके सर। विद इन 5 मिनट्स। ओके ओके सर। कोल्ड ड्रिंक चाहिए? अब कोल्ड ड्रिंक मंगाइए। सर एक मिनट सर, साहब के लिए कोल्ड ड्रिंक लाओ जल्दी आना। सर ड्यूटी के पहले दिन से ही आपने अपना काम शुरू कर दिया है, आप जैसे सीनियर पुलिस ऑफिसर को मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ सर। आई लव यू सर, आई लव यू सर। चलो चलो आगे, चलो जल्दी चलो। हाँ चलो चलो बच्चों लोग, चलो चलो। यार कहाँ कहाँ से फिसल रही है, पता नहीं ये धोती कैसे पहनते हैं। रुको माँ, मैं आ रहा हूँ। मेरा दुपट्टा, मेरा दुपट्टा, बचाओ मुझे। मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं कहा, सॉरी। वैसे भी मैं बुरा लड़का नहीं हूँ। आप मुझसे कितनी बार टकराई, मैंने कुछ कहा नहीं कहा ना, ऐसे पता चलता है कि मैं बुरा लड़का नहीं हूँ। हाँ बिल्कुल बुरा लड़का नहीं हूँ। अनजाने में कोई गलती हो गई तो माफ कर देना। हाँ पागल बॉय। पागल बॉय। मैं पागल? वो कैसे? आना यार, वहां क्या कर रहा है? आना। हाँ आ रहा हूँ ना, वो धोती फंस गई थी। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। ये बाबा कोहली कौन है? उसके ऊपर बहुत सारे केस हैं क्या? हाँ केस तो बहुत है सर, लेकिन कोई गवाह है ही नहीं। इतना पावरफुल है क्या? बहुत पावरफुल है सर। लेकिन उसके पास इतना पावर आया कैसे? पहले वो एक मामूली मछेरा था सर,
समुद्र में मछली पकड़ने जाता था, वहां उसने स्मगलिंग शुरू कर दी, जिसकी वजह से वो थोड़ा डेवलप हो गया सर। धीरे धीरे सोने के धंधे में बहुत पैसा कमाया। पैसा आते ही लोग उसकी जय जयकार करने लगे। ये देखकर उसने राज्य का मंत्री बनने का सपना देखना शुरू कर दिया। अब किसी भी तरह एमएलए बनकर टीवी के सामने आना ही उसका मकसद है सर। यही एक खास बात है बाबा कोहली में, इसके अलावा वो अच्छा आदमी है सर। जी सर। ऐसा क्या? अच्छा, समझ में नहीं आता उसने मुझे पागल क्यों कहा। ये पागल क्या होता है? अरे तेरा चेहरा देखकर शायद कहा हो सकता है ना। ए, मैं बताता हूँ, उसका थोबड़ा पागल जैसा तो है। आखिर उसने मुझे पागल क्यों कहा, समझ में नहीं आ रहा है। वो मुझसे प्यार कर रही है, दोस्ती करना चाहती है मुझसे, या गेम खेलना चाहती है, या चीट करना चाहती है, समझ में नहीं आ रहा है। मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, दिल तो पागल है, या तो कोई पागल है। अरे बताओ ना यार। अरे वो हमें नहीं पता। गरीबों के दाता बाबा कोहली की, दानवीर शूरवीर बाबा कोहली की, मजदूरों के मसीहा बाबा कोहली की, दाता बाबा कोहली की। आंटी भाई के हाथों में थी तब फोटो खींची थी, या उन लोगों के हाथ में थी तब तुमने फोटो खींची थी? क्या हुआ रे? हांडी उन लोगों के हाथों में थी तब फोटो उतारी थी, या भाई के हाथों में थी तब उतारी थी? एक ही बात है ना। मैं करूंगा, फोटो में ऐसा लग गया ये हांडी देर नहीं रहे बल्कि छीन रहे उनसे। पागल हांडी के बीच में थी उसी वक्त तो उसने फोटो उतारी थी। ये बात हुई ना, सही बात है। रखो इसे। सब लोग नारे लगाओ, बाबा कोहली जिंदाबाद, बाबा कोहली जिंदाबाद। भाई आपसे कुछ बात करनी है। चुप हो जाओ तुम लोग। नया एसपी है। बस इतनी सी बात, नया एसपी ड्यूटी में आया है ना, कितने एसपीओं को देखा है, उसका काम वो करेगा, मेरा काम मैं करूंगा। सुनो, कुछ दिनों के लिए सारे काम बंद रखो, जो भी है वो बाद में देखा जाएगा। और ये पागल की तरह क्यों सोच रहा है? तुम रुको, मैं अभी आता हूँ। ए, रुको, तुम लोग रुको, रुको। पता नहीं क्या होगा। बहन कपड़े सुखा रही हो? नहीं रे, ताजमहल बना रही हूँ। लगाने की कोई जरूरत नहीं है, जो बात है साफ साफ कहो, समझे? तुम्हारे कॉलेज में लड़कों को कैसे छेड़ते हैं? हम लड़कों को छेड़ते नहीं, प्यार करते हैं। ए पप्पू, हंसना बंद करो। कुछ नहीं। कब से पूछ रहा हूँ, शाम को पिक्चर दिखाने ले जाऊंगा, बताओ ना प्लीज। ए, पहेलियां बुझाने की जरूरत नहीं, जो भी कहना है सीधे सीधे कह दो, समझे? वो क्या है ना, ऐसे आड़े तेरे मत हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, डायरेक्ट मैटर पर आता हूँ, जल्दी बताओ। एक खूबसूरत सी लड़की ने इस हट्टे कट्टे बांके नौजवान को पागल क्यों कहा? क्या कर रही हो तुम? इरादा क्या है तुम्हारा? सबसे पहले साइकिल से ठोका, फिर कैनेटिक हंडा से ठोका, कार से ठोका, सड़क पर चलने में डर लग रहा है मुझे। जितनी चोट मुझे लगी उससे मैंने बर्दाश्त कर लिया। लड़की से बोल रहा हूँ, उसको ज्यादा बोलती जा रही हो। अगर गुस्सा आया ना तो क्या करूंगा मुझे खुद पता नहीं है। क्या कहा तूने? क्या कहा उसने? तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं, इस बंदरिया से कहो वो बात ना कहे। अब तुम क्या करोगी? जो उस दिन कहा था वही कहोगी? कौन सी बात? वही बात जो कहा था, भूल गई? भूल गई। क्या करूंगा? कौन सी बात? भूल गई जो कहा था। कौन सी बात बताओ ना। धत! धत! पागल बॉय। शट अप। तुम ना मुझे बहुत अच्छे लगते हो, पागल बॉय। भाई शट अप। देखो क्लास में हो इसलिए बच गई, बाहर मिलती तो नहीं छोड़ता। अरे पागल बॉय। फिर पागल का चीप गंदी लड़की। नमस्ते साहब, मैंने आपको इसके बारे में पहले बताया था ना, ये बाबा कोहली का छोटा भाई है आदि, किसी काम से आया सर। कुछ नहीं साहब, जो भी नया अफसर इस इलाके में आता है ना, उसे खुश करने के लिए समंदर से मछली लाता हूँ, इसे पकवा कर खाइएगा साहब, मजा आ जाएगा, एकदम झक्कास चीज है साहब। अब 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 क्या स्वादिष्ट है। ये क्या है? पैसा है साहब। अरे रे रे, मैं ये सब नहीं खाता, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। वेजिटेरियन है? मुझे तो नहीं लगता, आपकी बॉडी तो नॉन वेजिटेरियन से बनी हुई लगती है। अब
फालतू चीजें खाने से बॉडी नहीं बनती बच्चे, बनती है चर्बी, वो मेरी बॉडी को सूट नहीं करती। सूट नहीं करती, ये कैसे चलेगा? बड़े भाई को पता चलेगा तो बहुत नाराज हो जाएंगे। बड़ा भाई नाराज हो जाएगा, छोटा भाई खुश हो जाएगा। ये कहकर पुलिस को डराओगे तो पुलिस डरेगी नहीं बल्कि तुम्हें डराएगी। समझ में आ रही मेरी बात तुम्हारे? थोड़े से पैसों से मछली खरीदना ये मुझसे नहीं हो सकता। ये छोटी सी मछली तो क्या, मैं अपनी तनख्वाह से बड़ी सी बड़ी शार्क मछली को खरीद सकता हूँ। अपने भाई से कहो कि ऐसी चीजें ना भेजा करें। बच्चे अब जा अपने घर जा, जा बेटे। चलो रे। हाँ ये अपने भाई को बता दे, मछली के शिप में स्मगलिंग, ड्रग सप्लाई, वर्सोवा में भाई गई कॉरपोरेशन, राजनीति इमीडिएटली बंद कर दे, नहीं तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भाइयों माफ करना, माफ करना, मछली खाने वालों को और मछली नहीं खाने वालों को, मेरा मतलब है वेजिटेरियन को जो मछली नहीं खाते, होलसेल में नमस्कार। आप सबको पता है कि मैं मछली पकड़ के ही आगे आया हूँ। मछली पकड़ना आसान काम नहीं है, पहले जाल बिछाना पड़ता है, मछली खाने के लिए मछली पकड़ना पड़ता है। समुद्र में जाल फेंकना है, मछली फंसाना है, उसे खींचना है, शहर ले जाना है, मार्केट में रखना है, आपको खरीदना है, पकाना है, खाना है। इन मछलियों को पकड़ने के लिए मैं कितनी मेहनत करता हूँ और एमएलए बनकर पूरे 5 साल तक आप लोगों की सेवा करूंगा तो ये मेरा सौभाग्य होगा। तू क्यों हंस रहा है रे? ये है मेरी प्यारी बहन, मेरे दिल की बात को यही समझ सकती है। पता नहीं इन लोगों की समझ में कब आएगा। भूख लग रही है। अरे ये मछली एसपी साहब के लिए कहा था भेजा नहीं। ए, वो मछली नहीं खाता भाई, वो नहीं खाता, वेजिटेरियन है, नहीं चाहिए, कहकर वापस भिजवा दिया। फेंक दूंगा तो क्या फायदा, इसलिए उसे वापस ले आया हूँ। ठीक किया ना? ए सुन, मछली पकड़े जाने के बाद भी काटने की कोशिश क्यों करती है? बस इसी तरह ये नया पुलिस अफसर थोड़ा तो नखरे दिखाएगा ही। अभी अपने सारे धंधे बंद रखो, इलेक्शन होने के बाद तो सब अपना हो जाएगा। भैया भैया यहाँ आओ ना। इलेक्शन खत्म होने तक अपने सारे धंधे बंद रखो, जैसे स्मगलिंग, ड्रग, सारे बुरे काम वगैरह वगैरह। इलेक्शन के बाद तो सब अपना हो जाएगा, अपना हो जाएगा। सच कह रही मेरी बहन, पता नहीं इस बेचारी का क्या होगा, पागल कहीं का। चुप चुप, तुम लोगों को जलन हो रही है क्योंकि मैं सेक्सी हूँ। जा रहे बेशरम। ठीक बैठ किड्स। एक लीना ठीक से ताप कर। लड़की मेरी पैंट कहाँ है? क्या बात है, किसे ढूंढ रही हैं? ये सागर का घर है? नहीं। हाँ उसी का घर है, ये सेकंड लेन है ना? हाँ रहता है। ओके, डोर नंबर 1-3-365/47N। हाँ यही। ओके गुड। तुम्हें कौन चाहिए बेटी? मुझे वो चाहिए प्यारा सा, इतना सा, इतना लंबा ना, इतना लंबा और देखने में भोला भाला सा, ये बिल्कुल कैसे बताऊं आपको, बिल्कुल ऐसे पागल है ना? पागल बॉय मेरे लिए लकी साबित हुआ जब से वो मिला है ना, मेरी रातों की नींद उड़ गई है, उसके बगैर ना मेरा जीना दुश्वार हो गया है, पता नहीं मैं कैसे जीऊंगी। क्या बात कर रही है, एक पागल के बगैर इसका दिल नहीं लगता। सच में वो नहीं मिला तो दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। क्या कर रही हो,
क्या कह रही हो? अरे क्या कह रही हो? अरे भैया छोड़ो के जा रहे हो। यहाँ से चली जाओ, चली जाओ, तुमसे बाद में मिलता हूँ मैं। चली जाओ मेरी मौज, चली जाओ। एक चुम्मा दे दो ना, मैं चली जाऊंगी। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। मुझे भी ऐसा लग रहा है। मरवाओगी? दे दो ना। क्या बात है, कौन पागल है? वो पागल बॉय आंटी। कुछ नहीं, कुछ नहीं माँ, सीधे से कह रहा हूँ, निकल जाओ यहाँ से, जाओ जाओ जाओ। वन टू पागल बॉय। सागर तुम्हारे बारे में क्या सोचता है? आप पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा, लेकिन वो तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। कल तूने कुछ मांगा था ना? आओ वे दे दूं। नो। तो क्लासरूम में चलेगा? नो। बस स्टॉप, नहीं तो लाइब्रेरी। नो। जहाँ कहोगे दे दूंगा। तुम्हें तुम्हें क्या कह रही थी? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या सिस्टर को कुछ नहीं पता? मैं बताता हूँ, दरअसल हुआ क्या कि मैं अपने घर पर निक्कर पहनकर स्कूटर धो रहा था, उस वक्त ये लड़की मेरे घर पर आई, मुझे मारा और फिर उसके बाद उसने कहा कि मुझे ये दे दो। ओ कहा था उससे, उसने यही कहा था मुझे दे दो। ओ माय गॉड। चुप हो जाओ। यू लाइक मी? नो। यू लव मी? नो। नो 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 सिस्टर। क्या चाहते हो तुम? सुनो, शाम को 5 बजे चौपाटी पर तुम उससे मिलने आओगी। व्हाट? छी 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 सिस्टर। नो छी, नो छी, मैं आऊंगी। हाँ मैं प्लीज आऊंगी, प्लीज। आओगी ना? प्लीज को गो, आई विल बी देयर बाय 5 o'clock, प्लीज प्लीज गो। चलो टाटा बाय बाय, अलविदा, आई लव यू, गो गो गो। पता नहीं मेरे पीछे क्यों कुछ गड़बड़ लग रही है यार, मेरी बात मान तू। हाँ। लड़की बेचारी 5 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रही है। उनका पर्सनल मामला है, बीच में मत बोलो। इसने क्या कहा कि भैया आते फिल्म देखने जाएंगे, लगे रहो मुन्ना भाई, कहा था ना। लगता है अपने दोस्तों के साथ क्या है? मुझे माफ करो मदर इंडिया। उठो। माँ क्यों मेरी जिंदगी के साथ मजाक कर रही हो? अपनी सगी माँ की कसम खाकर कहता हूँ कि जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। और सच ये है कि इस लड़की से प्यार करता हूँ, ये भी सच है कि ये मरती है। मारा इस लड़की ने, फिर से मारा इस लड़की ने। बस बस बस, सब बातें बाद में करेंगे। बस करो, मजाक मत उड़ाओ। लड़की अच्छी है, मुझे अच्छी लगी। चिल्ला क्यों रही हो? You naughty? क्या करूं? जब भी तुम मेरे सामने होती हो ना, तो मैं अपने होश खो बैठता हूं। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। हम्म।
मुझे भी रात को नींद नहीं आती है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, चलो शादी कर ले। क्या? शादी? नहीं चाहिए, ऐसे ही रह जाएंगे तो कोई बात नहीं, दैट्स ओके। मार डालूंगी। पापा से बात करो। क्यों, अपने पापा से डरती हो? मैं बात करता हूँ। ओके। I love you. पापा? क्या है बेटी? पापा ये मुझ पर छोड़ दो, मैं बात करता हूँ। सर नमस्ते, मेरा नाम एके सागर है। माँ और बहन नीचे बैठे हैं। मैं एक कंपनी में सुपरवाइजर का काम कर रहा हूँ। महीने की 4,250 रुपए की तनख्वाह है। परमानेंट नौकरी नहीं है सर। अगर सामने वाले ने कुछ कहा तो काम खत्म। अच्छा, तो फिर नीचे चलकर बात करते। वैसे मैं फ्री हूँ सर, अगर आप कोई नौकरी बताएंगे तो ज्वाइन कर लूंगा। सही बात तो ये है सर कि आपकी राज दुलारी और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं। आपकी बेटी इधर घूमो, देखा आपने आपकी बेटी कितना प्यार करती है मुझसे, इस बात को याद रखना। शर्माने की कोई जरूरत नहीं, सब आपका ही लोग हैं। बैठिए बैठिए ना सर, बैठिए ना सर। शादी की बात अगर बड़े लोग करेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना सर? इसलिए शादी मेरी माँ सर। इसे पकड़ो। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते बहन जी। बैठिए बैठिए सर, बैठो बैठो बैठो। चल के बच्चे, अंकल क्यों कह रहे हो? हाँ अंकल, हाँ अंकल, तुम्हें क्या कह रहा था? आप हैं और मैं हूँ, ऐसा समझिए। आपकी जगह होता तो पूछता, मेरी बेटी तुमसे क्यों शादी करना चाहती है? तुम वकील हो, डॉक्टर हो, लखपति हो, अरबपति हो, मैं पूछ सकता हूँ। अब मैं अपनी जगह पे और आप अपनी जगह पे, तो मैं ये कहूंगा अंकल, लॉयर, डॉक्टर, लखपति, अरबपति, इनकी बीवियों के सुख की क्या गारंटी है? इनकी जिंदगी में लड़ाई झगड़ा तो होता ही रहता है ना। अब पड़ जाए तो तलाक तक हो सकता है, आपको पता है ना ये बात? हाँ, ये बात तो सही। कोई बात नहीं ससुर जी। ससुर जी, अरे तुमने अभी से मुझे ससुर बना लिया। ससुर जी, अब शादी सक्सेस होने के लिए रुपया, दौलत, खूबसूरत होना ही काफी नहीं, बल्कि कुछ और भी चाहिए। और कुछ और नहीं रहेगा तो कुछ और चाहिए, और वो कुछ और जो है वो हम दोनों के बीच में है। प्यार करके शादी करने वालों की जिंदगी लंबी होती है, खुश रहते हैं, कभी बिछड़ेंगे नहीं, हमेशा साथ रहेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। सच तो यह है कि शादी करने में बड़ा रिस्क है। अब पता नहीं किस मिट्टी का बना है। अब मैंने जो स्क्रीन प्ले बनाया, अगर कोई समझदार आदमी होगा तो मान जाएगा। आप क्या कहते हैं ससुर जी? मैं कुछ नहीं कहूंगा। थैंक यू ससुर जी। वहां से हाथ हटाओ। आई लव यू ससुर जी। मेरे कंधे पे हाथ रखो, ये मुझे पसंद है। देखिए बहन जी, लड़का बहुत होशियार है, थोड़ा ज्यादा बोलता है, एडजस्ट कर लूंगा। एक अच्छा दिन देख के मुहूर्त निकाल के दोनों की शादी कर देते हैं। अरे कुछ तो बताओ, क्या कहा उसने? कहा नहीं जाऊंगी। हाँ, तो देख के क्यों हंसी? लगता है तुम्हें फसाया है। फसाया उसने? हाँ। पैसा दिया था तुमने? चोर समझा है क्या? हाँ। चंटी चंटे कितनी बड़ी हो गई रे, इतनी सी थी। हाँ। गली में ब्लू कलर की चड्डी पहन के घूमती थी। हाँ। चंटी है ना। अरे पीला शर्ट, अरे पीली चेन। यही कहीं होगा, कहाँ जाए? यादें कहाँ रे? वहां पर है।
उसने गलती की है, मैं उसका भाई बोल रहा हूँ, उसे मत मारना। दोबारा वो गलती करेगा तो मैं उसे मारूंगा। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात, मेरी बात सुनो, मेरी बात। मुझे पता है मेरी जिंदगी तेरी वजह से बर्बाद होगी। कितनी बार कहा तुमसे सुधरेगा नहीं, कितनी बार कहा तुमसे, कितनी बार कहा तुमसे। मेरी प्यारी बहना, देख भाई, अब इलेक्शन के वक्त तुम ऐसा करोगे तो कौन हमें वोट देगा, उसके बाद कौन हमें पूछेगा। अब तू ही बता मैं क्या करूंगा। सुनो, मेरी जिंदगी की आधी उम्र समुद्र में बीती है, समझदारी से काम लो। एमएलए बनने तक बिगाड़ मत, इलेक्शन होने तक, इलेक्शन होने तक रुक जाओ। सिर्फ इलेक्शन होने तक, इलेक्शन होने तक। दीदी ये वाला पहनो ना, ये वाला, ये दीदी को लगा। दीदी ये हां, दीदी ये वाला, दीदी वो देखो ना, तुम्हारा होने वाला दूल्हा उधर बैठा है। देखो सागर, ये दूल्हा है कृष्णा और ये इनके मां-बाप हैं। नमस्ते। ये सागर है, दुल्हन का भाई है और ये सब कुछ है, और ये इनकी माँ है, ये दुल्हन है। अच्छी तरह से देख लो कृष्णा। वो होने वाले दूल्हा का नाम क्या है? अरे क्या यार, समझदार बात करते बीच में नहीं बोलते। मेरा नाम कृष्णा है। सिगरेट भी पीते हो क्या? नहीं नहीं, आदत नहीं है। सिगरेट नहीं पीते, शराब तो पीते होगे। शराब? मुझे एक डाउट है, इसे शादी की क्या जरूरत है? एटलीस्ट कोई गर्लफ्रेंड तो होगी ना? कोई नहीं है मेरे बाप। गर्लफ्रेंड नहीं है तो कोई एक्स्ट्रा तो होगी ना? ऐसी बातें नहीं, एक्स्ट्रा नहीं है। एक्स्ट्रा नहीं है तो शादी करने का अधिकार नहीं है। मुझे छोड़ दो मेरे बाप। दीदी लड़के को तो देखो, वो देखो उधर, मुझे लड़की पसंद है। भाई साहब, भाई साहब, जो बातें करनी है खुल के कीजिए। तुम चुप बैठो, सागर जरा मेरे साथ बाहर आओ, मुझे कुछ बात करनी है। तुम भी साथ चलो, चल। अब जी, चलो चलो। कुछ भी नहीं माँ। कुछ नहीं का क्या मतलब? क्या कहा उन लोगों ने? अरे बोलेगा तो सही। बताओ तो सही। कुछ भी नहीं। अरे बताओ तो। अरे कुछ तो बोल। क्या बोला? बताओ कि उन्हें चंटी बहुत पसंद है, कह रहे हैं कि दहेज बिल्कुल नहीं चाहिए, बहुत कहने पर भी नहीं मान रहे। नहीं मान रहे? उनका बेटा बड़ा खूबसूरत है, मेरी बेटी से शादी करने के लिए किस्मत चाहिए। क्या? होने वाले एमएलए जी की, होने वाले मिनिस्टर जी की, होने वाले मुख्यमंत्री जी की। सर मेरी बात सुनिए, मैं अपनी बहन कनक के साथ मुंबई के मंत्रालय में बैठकर माइक हाथ में लेकर टीवी के सामने भाषण दूंगा। भाषण दूंगा ये इसलिए कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आपको जो चाहिए दूंगा, माल बहुत है मेरे पास। भाई, उसे कहने से कोई फायदा? किसे कहना है? वो अलग अफसर है। भाई समझा करो। सर सॉरी, आई एम सॉरी सर। गंगा मैया, तेरे भरोसे जाल फेंक रहा हूँ, वोट दिलाना। तेरे ही भरोसे नॉमिनेशन डाल रहा हूँ, जिता देना। माँ,
दरवाजे खिड़कियां बंद कर दो, बाहर कोई पुलिस वाला नजर नहीं आना चाहिए। जब तक मैं ना कहूं कोई दरवाजा नहीं खोलेगा, चाहे कोई भी आए। चल क्या हुआ है? 11:30 सर। उसका नाम क्या है? बाबा कोली। जेब काट के, गला काट के, पैसा कमा के, उसके बलबूते राजनीति में आ जाना, एमएलए हो जाना, पब्लिक के सर पे बैठ के नाचना, हर एक भरवे का एक बिजनेस हो गया है। इसलिए एफआईआर दर्ज कर रहा हूं। मतलब पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज होने से अब के रूल्स के हिसाब से एमएलए की सीट के लिए खड़े होने के लिए वो असमर्थ है। अब इलेक्शन में एमएलए सीट से लड़ना हमारे इस बाबा कोहली के बस की बात नहीं रह गई है। अगर ऐसे चोर चक्के भी एमएलए हो जाएंगे तो अपने देश को बचाएंगे नहीं बल्कि खा जाएंगे। ऐसे वक्त में ऐसे लोगों को घुमाना चाहिए ऐसे ऐसे। बाबे साइन हो गया। गांव के सुअर मंदिर में नहीं, तुम जैसे चोर कमीनों को मंत्रालय में नहीं जाना चाहिए, समझा तू? बहुत पाप लगेगा। होने वाले एमएलए श्री बाबा कोहली जी जिंदाबाद। भाई अब दरवाजा खोलो। बाहर एक काले कोट वाले के हाथ में एक सफेद कागज होगा, उसका बेल पेपर है। जल्दी जाकर खोलो नहीं तो वो लोग दरवाजा तोड़ देंगे। भाई कहाँ है? भाई कहाँ है? आप दिखाइए। आप चुप रहिए। ये रहा बाबा कोहली का बेल ऑर्डर। सर सर ये रहा उसका बेल ऑर्डर। हट जाओ। कृष्णाराज बाबा कोहली का बेल ऑर्डर आया, छोड़ दो उन्हें बेचारा। ओके सर। हटा यहां से। ये बहुत ही हरामजादा इंसान है सर। मैं तो इसके बाप का भी बाप हूं। आई लव यू सर। थैंक यू। मेरे खिलौने लाएगा, मेरा भैया आएगा, मेरे सागर जाने के लिए मना नहीं करोगे? मत जाओ ना। लेकिन जाना तो पड़ेगा। और कुछ ही दिनों की तो बात है। अच्छा कुछ ही दिन, बस कुछ ही दिनों की तो बात है। इसके बाद लाइसेंस आ जाएगा, हम फैक्ट्री ओपन करेंगे। वंस मोर वन मोर, सब अपने लिए है ना, शादी होने के बाद चाहिए ना। तेरे साथ आना था लेकिन लेकिन बहन की शादी है ना, मुझे तो सब कुछ करना पड़ेगा ना। तुम्हारे घर आ रहा हूँ ना, पापा से बात करूंगा। तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है, आफत को संभाल रहा हूँ। अब गले में ढोल पड़ गया, उसको तो बजाना ही पड़ेगा ना। अब अरे अरे गुस्से में तुम अच्छी लगती हो। अच्छी लगती हो? अच्छी लगती हो?
सर आपके आने के बाद इस शहर में काफी सुधार आया सर। हाँ बात करो। हेलो कृष्णा अय्यर, स्मगलिंग वर्सोवा बीच पे बहुत बड़ी तादाद में गांजा कहाँ? ओके सर, वर्सोवा बीच पे स्मगलिंग, वर्सोवा में कहाँ? लोकेशन बताओ, एग्जैक्ट लोकेशन बताओ। हाँ कृष्णा, कृष्णा को बताओ। हाँ तुम बताओ, मैं सुन रहा हूँ। संभाल के, संभाल के, संभाल के, संभाल के। हाँ यहाँ रखो। ए बंटी ले पनीर। ए बंटी हरी ली जरा पकड़ाना तो। ए मुझे भी एक लड्डू देना। और कितना खाएगा? दे ये खा। अरे खा खा के मोटा हो जाएगा। क्या है? मेरी बात सुनो बेटा, मुझे परेशान सारा सामान लाया हूँ ना। अरे मुझे टेंशन मत दो। अरे मेरी बात का जवाब जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। जल्दी से आइसक्रीम लेकर आओ। जाओ ये सामान, तुम जल्दी से जाकर बैंड वालों को ले आओ। वो तो आ ही रहे होंगे। अरे कार लेकर आओ। अरे बाप रे, माँ 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 यहाँ क्या हुआ? अरे रे मैं तो भूल गई। तुम भी ना माँ, बिल्कुल अजीब हो। ऐसे भूल जाओगी तो कैसे चलेगा? ठीक है मैं लेकर आता हूँ। हाँ। सागर को ले जा रहे हैं यार। अरे क्या हुआ?
कहीं का मुझे ही इलेक्शन में खड़े नहीं होने दिया। आप देखो फुकट में मारा गया ना। मेरे बच्चे तुझ जैसे कोई एक भाई काफी है रे। एए, एक तीर से तू शिकार। एए, शिकार तो मेरी वजह से हुआ। अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंच गया होता तो उसकी लाश पड़ी हुई मिलती लावारिस की तरह। ऐसे ये दिवाली का खिलौना उसे दिया था। वहां फायर करने के वक्त चला ही नहीं साला। वहां जाकर मैं खुद फंसने वाला था। वो तो कहो कि किसी तरह से बच गया मैं, वरना मैं तो ये भगवान गया था काम से। बकवास मत कर, उसका घोड़ा चला नहीं था। चुप हो जा, चुप चुप। टाइम पे सागर आ गया इसलिए बच गए, नहीं तो तुम जैसा नामर्द वही। कौन नामर्द? जबान संभाल के बात कर। अरे चुप हो जाओ तुम लोग। काली पीली फोकट पे क्यों आवाज करते हो? बेचारा सागर, अब उसे भगवान ही बचाएगा। मुझ पे हाथ उठाने वाले दोनों साले अब क्या होगा? पोस्टमार्टम है। टेन टेन टेन। कुछ भी नहीं भैया, जब हम मछली को सीधा काटने के बाद जो कुछ भी मछली ने खाया होता है वो सब उसके पेट से बाहर निकल आता है। वही एसपी साहब के साथ किया। डिगे 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 डिगे। हो गया, हो गया। क्या हो गया? सब खत्म हो गया। क्या हो गया? अब उस लाश का पोस्टमार्टम हुआ तो उसकी बॉडी से मेरे चलाए हुए बुलेट निकलेंगे। उस बुलेट के नंबर से मैं आसानी से पकड़ा जाऊंगा। हो गया, पकड़े गए हम, अब सब पकड़े जाएंगे। पोस्टमार्टम करने वाला कहाँ है? वो पोस्टमार्टम करने वाला कहाँ है? अजी सुनिए, अजी सुनिए, पूरब कहाँ पड़ता है? उस तरफ है। पूरब तो पश्चिम से होगा तो ये उत्तर और दक्षिण होगा। मुझे पता नहीं। असल में कौन हो तुम? देखने में तो पुलिस वाले जैसे ही दिख रहे हो। भूल गया सर, कांस्टेबल 124 हूँ। हमारा नाम लोकराज वर्मा है सर। हम दूसरी जगह से ट्रांसफर होकर आया हूँ। हमें 10 साल का तजुर्बा है। आज रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अब भी ज्वाइनिंग कर रहे हैं सर। अरे बापरे, एक मिनट, ये निकाल देते हैं, आप बुरा मत मानिएगा, इसे दूसरी जगह रख देते हैं। सुनिए सर, इसे मैं यहाँ लगा देता हूँ तो अंदर आते वक्त हमें और अंदर रहने वालों को सबको ये फोटो होलसेल में दिखाई देगी। चोर, बहुत पावरफुल आदमी थे, हाथ पड़ते हैं लोगों की हवा निकल जाती थी। हाँ हाँ सर, मैं तो इन्हें पहचानता हूँ। हाँ। लेकिन वो फोटो वहाँ क्यों? फोटो? फोटो क्या? माफ कीजिएगा सर, माफ कीजिएगा। आग, आग के बना हुआ शहर थे, कातिलों के लिए बब्बर शहर थे, अन्याय को खत्म करने वाले सरकारी तलवार था वो।
चोरों को पकड़ने वाले, गरीबों की मदद करने वाले भगवान, पापियों को खत्म करने वाली उस देवी का प्रतिरूप था वो। सच्चाई का नाम थे, अध्याय उनका काम था, कर्मारिक्षण प्यारा नाम, पुलिस डिपार्टमेंट को नाम देने वाले, हिम्मत चलल का पुलिस की इज्जत रखने वाले वीर योद्धा कीर्तिमान एसपी श्री हरि। सुनिए सर, देखिए पुलिस स्टेशन नहीं है, हम सभी का मंदिर है, मंदिर मंदिर में भगवान चाहिए ना, ये मंदिर है, वो भगवान है, हम उनका भगत हूँ, समझे? साहब आ गए। इतने ही मामूली आदमी नहीं थे, युग में एक बार पैदा होते हैं ऐसे लोग, ऐसे नेक इंसान को सड़क के बीचों बीच दिन दहाड़ा गोलियों से भून के रख दिया गया, ऐसे पापियों का कुछ भला नहीं होगा, वो कभी सुखी नहीं रहेंगे, कीड़े पड़ पड़ के तड़प के मरेंगे। सर हमारी जबान काली है, जो कहते हैं वो सच हो जाता है, असल में कातिल कौन है? ऐसा ही कहा श्री हरि साहब को मारने वाला ऐसा ही ऐसा ही साहब। सर ये नया भर्ती हुआ है क्या? इन्होंने लगाया का बोला? ये हमारे भगवान है, वो भगवान है, ये उनके भक्त है। आई लव यू सर। सर ऐसे कहाँ जा रहे हैं? सर ऐसे जा रहे हैं, हमसे कुछ गड़बड़ हो गई का? हाँ? क्या गड़बड़ हो सकता है? पोस्टमार्टम मैंने किया है, रिपोर्ट बदलवाने के लिए कह रहे हो, हंगामा हो जाएगा साहब। पोस्टमार्टम कहे तो जिंदा इंसान से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरी लाइफ से मत खेलिए, मुझे छोड़ दीजिए साहब। 25,000। अरे आपको मैं कैसे समझाऊं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, जो मरा है वो कोई अनाथ नहीं एसपी था। रिपोर्ट बदलने की बात पुलिस को मालूम हुई तो मेरी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भी नहीं मिलेगी। 75,000। अरे साहब मैं आपके बारे में अच्छी तरह जानता हूँ, ये कोई मामूली मर्डर होता तो कुछ चीज लगने से मरा है लिखकर केस साफ कर देता, लेकिन ये ऐसा नहीं है। 75,000। सैकड़ों हजारों गवाह हैं, बॉडी में से 4 बुलेट निकले हैं, एक सरकारी रिवॉल्वर का, दूसरा देशी कट्टे का है, वैसे भी रिवॉल्वर के ऊपर उंगलियों के निशान भी साफ नजर आ रहे हैं, और वो निशान सागर के नहीं किसी और के हैं। उस बॉडी के फ्रंट से बैक से गोली मारी गई है, ये रिपोर्ट कोई भी देख ले, बहुत करीब से एसपी के ऊपर गोलियां चलाई गई हैं। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। नेक्स्ट योर ऑनर, इस कटघरे में खड़ा मुलजिम, इसने एक सीनियर ऑफिसर श्री हरि नाम के ऑनेस्ट एसपी को दिन दहाड़े सरेआम सबके सामने बड़ी बेरहमी से गोली चलाकर जान ली इसी सागर ने। यह नक्सलवादी है, इसके चश्मदीद गवाहों के अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट और पंचनामा, वहां पर खड़े हुए पुलिस वालों ने देखा कि गोली इसी ने चलाई। पुलिस को यह भी पता चला है कि इस मुल्जिम का कॉन्टैक्ट बड़े बड़े नक्सलवादी संगठनों से है। एग्जिबिट नंबर 1 एफआईआर, एग्जिबिट नंबर 2 श्री हरि का पंचनामा, एग्जिबिट नंबर 3 मरने के समय एसपी श्री हरि का दिया हुआ स्टेटमेंट, एग्जिबिट नंबर 4 फॉरेंसिक रिपोर्ट, एग्जिबिट नंबर 5 मुलजिम द्वारा इस्तेमाल किया हुआ रिवॉल्वर। ऐसे घिनौने मुलजिम को समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसे में कोर्ट का वक्त और न जाया करते हुए मिलोट, इस केस से जुड़े सभी गवाहों को मैं पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। एसपी साहब का पोस्टमार्टम मैंने ही किया था, इस रिवॉल्वर के बुलेट्स और बॉडी में पाए जाने वाले बुलेट एक ही है,
रिवाल्वर के ऊपर पाए जाने वाले निशान मुलजिम सागर के हैं। ये रिपोर्ट मैंने अपने पूरे होश आवाज में लिखी है। मैं पतंग उड़ा रहा था सर, तब देखा तो एसपी साहब भाग रहे थे, उनके पीछे सागर भाग रहा था, फिर उसने रिवॉल्वर निकाल कर गोली मार दी, इधर का बुलेट इधर आया, डग 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 करके चला दिया, मुझे भी मारने वाला था साहब, मगर समय पर इंस्पेक्टर साहब ने आकर मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं जिंदा नहीं बचता। इधर भी रिवॉल्वर चलाया था सागर ने, इतना ही देखा साहब। पिछले 16 तारीख को एक मुखबिर ने हमारे थाने में आकर खबर दी कि स्मगलिंग का माल आने वाला है। हमारे साहब वैसे तो बहुत सख्त थे पर इस शहर के लिए नए थे, उस वक्त थाने में कोई कांस्टेबल नहीं था, इसलिए ये सोचकर एसपी साहब रेड करेंगे, हम लोग फौरन वहां पहुंचे। वहां पहुंचने पर उसने सागर ने एसपी साहब को रिवॉल्वर की गोली से जख्मी कर दिया सर। सर मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की लेकिन सर वो हम लोगों को बहुत मानते थे सर, सर बहुत अच्छे थे सर। सर मेरी रिक्वेस्ट है सर कैसे फांसी की सजा दीजिए सर, फांसी। एनी क्रॉस एग्जामिनेशन? इसमें प्रोसिक्यूट करने जैसा क्या है? रिजल्ट तो सामने दिख रहा है ना, क्यों? यस सर। मैं प्रोसिक्यूशन की सारी बातों से सहमत हूँ। प्रोसिक्यूशन ने कहा कि सागर हत्यारा है, नक्सलवादी है, ये प्रूफ किया है, इसलिए मुजरिम सागर ने ड्यूटी पर अपना फर्ज अदा करने वाले एसपी को मार डाला, लिहाजा अदालत जेर दफा 302 आईपीसी के तहत मुजरिम सागर को उम्र कैद की सजा देती है। नेक्स्ट। मैंने नहीं मारा। जैसा ये झूठ बोले, मैंने नहीं मारा। मैं कसम खाकर कहता हूँ ये झूठ बोले हैं जैसा, मैंने नहीं मारा। अरे कोई को बताओ ना, मैंने किसी को नहीं मारा। भाई काम हो गया, किसका फोन है? पैसा है हमारे पास लेकिन क्या करें, हमका भी चाहिए ना खर्चा पानी के लिए। हाँ उधार नहीं ला सकते ना बॉस, अगली तनख्वाह में बचे हुए नारियल चढ़ा देंगे, पक्का बोलते हैं। जब तक अपना बैलेंस जो है याद रखना, नाराज ना होना। जय बजरंग बली। पता है मैं नीचे से ऊपर आया हूँ, तकलीफ क्या होती है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे पता है डॉक्टर तुम हो। जा, जा, बीच में आ रहे हो।
पहले दिया था ना, ये लो बैलेंस पैसे रख लो, ये देने के बाद 5 लाख पूरा हो गया। हो गया? आपने तो वादे के मुताबिक पूरा पैसा दे दिया। मेरा दामाद लंदन जा रहा है, बहुत खुश हो रहा है। अब शादी के वक्त उसकी मदद नहीं कर सका था, इसलिए एक्स्ट्रा समझकर कुछ सहायता कर दें तो। क्या हो, सारे खानदान को लंदन भेजने वाले हो क्या? क्या सही कहा डॉक्टर, ये गलत है। ए, गलत डॉक्टर साहब का दामाद हो या मेरा दामाद, एक ही बात है। आप चिंता ना करें, मैं हूँ ना आपके साथ, आराम से जाए, चिंता बिल्कुल ना करें। अरे रे रे, कितनी बड़ी बात है, आपके ऊपर मुझे भरोसा नहीं तो मेरे ऊपर आपको भी भरोसा नहीं होगा। तो नुकसान आपका ही होगा। हैं? ओके, मैं चलता हूँ। रुक रुक, नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं। आएगा तो मार डालूंगा उसको, मस्का क्यों लगा रहे हो, मांगता जा रहा है और तुम देते जा रहे हो। जाओ। आप अगर उसे रुपया नहीं देंगे तो सबसे कह सकता है, उसकी हाँ में हाँ मिलाना ही समझदारी है, इलेक्शन भी आ रहे हैं। अब क्या इलेक्शन आएगा, तुम्हारे ऊपर केस है ना। फिर वही बात, ए किसी भी राज्य में कोई भी घोटाला करके कोई भी मिनिस्टर आज तक अंदर गया क्या? घर में खाना बनाने वाली पत्नी को भी मिनिस्टर बनाया जाता है, उसे कौन सा विभाग चलाना है? मिनिस्टर एसी में रहता है, पत्नी रसोई में काम कर रही होती है। हाँ, हम भी उससे कम नहीं। वैसे भी मेरा रिकॉर्ड खराब है, इसलिए कनक महालक्ष्मी को इलेक्शन में खड़ा करूंगा। पागल लोग हमारी प्यारी महालक्ष्मी को वोट देकर पागलों की तरह जिता देंगे, उसके बाद सब कुछ अपना हो जाएगा। बाप रे, इसे आन नहीं रहना चाहिए था। तो फिर कहाँ रहना चाहिए था? पागल खाने में। सही कहा तूने। अरे चल रहे, सागर को पुलिस पकड़ के ले गई, उस पर खून का इल्जाम लगा हुआ है। हाँ, खून का इल्जाम लगा है, वो जेल में है। Oh!
जॉनी, मम्मी, मेरे बच्चे, क्या हुआ? माफ कीजिएगा, ऐसे का देख रहे हैं? शकल से तो बहुत भोले लगते हैं, भगवान खुद तो पैदा नहीं होते, लेकिन आप जैसे दुष्टों को काहे पैदा कर देते हैं? चलिए चलिए उठिए, हमरे एसपी को मारने वाले तुझ जैसे दुष्ट को छूकर हमने बहुत बड़ा पाप किया है। अब हनुमान जी को 100 नारियल फोड़ने के बाद भी बाप जाने वाला नहीं है ना? अरे छूना तो दूर शकल भी नहीं देखना चाहिए, मगर क्या करें, ड्यूटी है, मजबूरी है, गलत है ना? आपको एसपी साहब को मारने की जरूरत कहाँ पड़ी थी? अरे सीता मैया को रावण उठा कर ले गया था ना, टाइम खराब था। थोड़ी देर मुंह बंद नहीं रख सकते? कलयुग है भैया, सतयुग में राम जी बिना पाप की हो 14 साल के वनवास में गए थे, लेकिन आज देखिए ऐसे खूनी दुष्ट पापियों को 14 साल की सजा, ये कोई इंसाफ है का? बजरंग बली ऐसे लोगों को 100 साल या फांसी। एसपी को मारने वाला कांस्टेबल को भी मार सकता है। ये क्या है? हॉस्पिटल में लेकर क्यों आए? हमका नहीं पता, आपको लाने के लिए हमें भेजा गया था। आपकी माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है ना? माँ सागर, माँ क्या हुआ तुम्हें? चट्टी माँ को क्या हुआ? सर ये पट्टी कैसी है? माँ जी बताओ ना यार, चट्टी क्या हुआ? माँ जी तुम बता रहे क्या हुआ माँ को? बताओ ना माँ को क्या हुआ? माँ जी माँ के पास जाओ। क्या हुआ माँ? मेरा बेटा। माँ चिट्टी माँ माँ चिट्टी माँ को क्या हुआ? कल रात कुछ नहीं, मैं कल रात को गिर गई थी इसलिए। झूठ क्यों बोल रही आंटी? कल रात तो शराब पीकर घर में घुस आया, आंटी को बहुत मारा और चट्टी की इज्जत लूटने की कोशिश। आंटी के सर पे चोट उसी की वजह से लगी है, सब उसी ने किया है। भैया
एक्स्ट्रा फोर्स मंगाओ, कम ऑन। उस बाबा कोली और उसके भाई को मैं किसी हालत में नहीं छोड़ूंगा। माँ कैसी है? माँ जी के बारे में तुम चिंता मत करो सागर, मैं उनकी देखभाल कर रही हूँ ना। सागर भाई, सागर भाई, सागर भाई, सागर भाई, सागर भाई, मेरी बात सुनो, सागर भाई। ए, क्या हुआ बताओ? मैं रिक्शे में बच्चों को लेकर आ रहा था, बाबा कोली के भाई ने मुझे मार कर बच्चों को ले गए। उसने कहा है कि तब मैं तो बच्चे को छुड़ा लो, नहीं तो एक एक बच्चे को जान से मार डालूंगा। सागर चल, उस बाबा कोली को खत्म कर डालते हैं। ए, उसके पास बच्चे हैं, उसने मेरे लिए बच्चों को। चलो, ऐसा नहीं है सर, ये जरूर किसी की साजिश, हमने मान लिया। कोई साजिश नहीं है, तुम्हें डिसमिस कर दिया गया है। सागर जिस दिन भागा था उसी दिन उसका इनकाउंटर कर दिया होता तो आज वो इतना खतरनाक नहीं होता। असल में उस दिन तुम्हारी बातें सुनकर मैंने एक्शन लेने में देर कर दी। हमारी बात का यकीन कीजिए, मुझे माफ करो, मुझे टेंशन मत दो, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से, हटो। एक सुनो इधर, बाबा कोहली ने आदि को कहीं छुपा रखा है क्योंकि सागर उसे ढूंढ रहा है। इस बार अगर हम जरा भी लेट हुए तो हमें आदि की लाश भी नहीं मिलेगी। कैसे भी करके तुम सब आदि को पकड़ लो, आदि कहाँ छुपा है हमें पता चल जाए तो सागर भी वहां मिल जाएगा। बोतल देना, आवाज करोगे तो मार डालूंगा। सागर जी, पुलिस पुलिस, अरे पकड़ी है ना, अरे कौन है, अरे कौन है भाई, अरे कौन सागर भैया? समुंदर में ना अरे अंदर मत जाओ, खतरा है, अंदर मत जाओ, पहना अंदर मत जाओ, बहुत खतरा है, चलो आओ अंदर मत जाओ भैया। मैं समुंदर के अंदर जाऊंगी। हाँ आदि को वहां अकेला छोड़कर यहां क्या कर रहा है तू? सागर ने आदि को मार डाला होगा, आदि को मार डाला होगा। कृष्णा, कृष्णा, सागर जी, सागर जी, सागर जी, चलिए यहां से। हाँ श्री कृष्णराज जी, सर आपने इन्हें मारा नहीं, हमें पता था कि आप ऐसा नहीं कर सकते। सुनिए, हनुमान जी की दया से तुम्हारा रिवॉल्वर की बुलेट मिल गई है, सब कुछ पता चल गया है। सर इन्हें ले जाकर कोर्ट में पेश करें तो आप बेगुनाह साबित हो जाएंगे। मैं इसको मार कर केस ओपन करूंगा। सही है सर, लेकिन कैसे? एसपी को मारने वाले सामने ही है, लेकिन एक भी गवाह हमारे काम का नहीं है। तो अब क्या करें सर? असली झोलझाल तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है, अब इन दोनों के साथ साथ उस डॉक्टर को भी। डॉक्टर कहाँ है? Thank you.
ठंडा हुआ, लाशों का पेट फाड़ने वाला, पोस्टमार्टम करने वाला, दामाद को लंदन भेजूंगा, क्यों कहा था आपने? आपने तो शादी करा के अपने हाथ धो लिया, अब बीच में मेरी जिंदगी बर्बाद है। वो बात नहीं है बेटी, मेरी बात तो सुनो। आप ऐसा करते, माँ नहीं है इसलिए ऐसा कर रहे। मेरा पति अच्छा है, सिर्फ घर से निकाला है, दूसरा कोई होता तो मिट्टी का तेल डाल के जला देता, पोस्टमार्टम भी तुम्हें करना पड़ता। मेरे पति को जल्दी रुपए नहीं भेजेंगे तो मुझे जिंदगी भर नहीं अपनाएंगे। जल्दी से उन्हें रुपए दे दो, नहीं तो मुझे जहर दे दो, उसी वक्त ठंडक पड़ जाएगी आपको। कहाँ गई? सागर रुको, सागर आपका आप तरफ मत जाओ, सागर। अरे आपको देख लिया तो भाग जाएगा ना। आप रुकिए, हम और मामा जी बात करके आते हैं। पांच मिनट, सिर्फ पांच मिनट। ठीक है, चलिए मामा जी। हेलो बड़ा भाई, जरा ध्यान से सुनो। उस एसपी का ओरिजिनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बुलेट मेरे पास है। जो रकम मैंने कही थी वो शाम तक मिल जानी चाहिए, नहीं तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बुलेट पुलिस को दे दूंगा। कौन है आप लोग? हम कांस्टेबल 124 लोकराज वर्मा, और ये हम वकील राम बाबू। आप फोन पर बात कर रहे थे ना क्या? बुलेट सर ओरिजिनल क्या बात कर रहे हो? कौन सी बुलेट, कौन सी पोस्ट करो? हमने सब सुना है, शराफत से रिपोर्ट देकर कानून की मदद करो, वरना जबरदस्ती करके हमें रिपोर्ट हथियाना तुमसे अच्छी तरह से आता है। देखिए वो वकील साहब है ना, उनके बाद सुनिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, वरना पुलिस स्टेशन ले जाना पड़ेगा। सरकारी डॉक्टर होकर बेईमानी करते हैं, अरे चंद पैसों के लिए बेगुनाह लोगों की जिंदगी से खेलते हैं। सुनिए, बेगुनाह लोगों की बद्दुआ लगेगी। अरे आप शराफत से हमका निकाल के काहे नहीं देते? दीजिए। मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, छोड़ो मुझे, मेरे पास नहीं है भाई, गए तो रहा हूं, मेरे पास नहीं है। सर ओरिजिनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट। हे बे 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 Yeah.
पुलिस स्टेशन, मैं लॉयर राम बाबू बोल रहा हूँ। यहाँ बड़ी गड़बड़ है, आप लोग जल्दी से आ जाइए। ये देखिए क्या सब हो रहा है। देखिए रिपोर्ट कहाँ है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ है बताओ? पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ है? बता, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ है? कहाँ छुपाया है? देखिए यहाँ पर लोकेश, हाँ हमारी बात सुनिए, हम बताते हैं। अरे सर ये देखिए ओरिजिनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बुलेट भी है सर इसके अंदर। सर अब तो हमारा सस्पेंशन ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए सर। कांस्टेबल 124 इमीडिएटिंग रिपोर्टिंग सर। ये बहुत अच्छे आदमी है सर, इन्होंने मर्डर नहीं किया है। हमने कहा था ना सर कि बुलेट इसी के अंदर है। हम बहुत अच्छा इंसान हूँ सर, बहुत अच्छा इंसान हूँ। हाँ सर अब तो आप सागर को छुड़वा देंगे ना सर? हाँ इसकी फैमिली बहुत इंतजार कर रही है इसका।
ना। जल्दी आओ ना। जल्दी आओ ना भैया, भूख लग रही है। आओ ना। बहना। तुम कैसी हो? आओ भाई इसको मारा। हाँ, क्रिकेट खेलेंगे? सॉरी सर। जय बजरंगबली। थैंक यू। मैं उस लड़की से शादी कर रहा हूँ। बहुत अच्छी है लोकेश। देखो वो मेरी बहन है, उससे शादी करोगे? माँ चंटी तुम्हें पसंद है? ओके पसंद है।